गई और कहाँ जाके वापस आई, फिर उसके बाद बात करेंगे। बाय। ये एक्चुअली कुछ महीने पुराना वीडियो है और मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही थी। एक्चुअली मैं कोविड के बाद अकेले अपने मायके जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो उस टाइम पे एक वीडियो बनाया था तो वो रह गया था, एक्चुअली शेयर करना बाकी था तो मैंने सोचा वो शेयर कर लूँ, क्योंकि अभी वो समर का वेकेशन वो जैसे टाइम है ना, तो वो हर ईयर मतलब एवरी ईयर में समर वेकेशन में बच्चों के आई यूज़ टू गो टू माय होम माय मॉम्स प्लेस, तो याद आ रही थी तो मैंने एक दो दिन के लिए ही बस ट्रैवल किया था। मैं रेडी हूँ अपने बोर्डिंग पास और आईडी प्रूफ लेके, अभी प्रोसीड करेंगे गेट की तरफ, एंट्री गेट। मुझे जल्दी एंट्री मिल गई यहाँ पे, बाकी सब बाहर खड़े हैं, बाहर जो वेट कर रहे हैं ना दूसरे काउंटर से आएंगे, दूसरे गेट से, जिनके पास बोर्डिंग पास प्रिंट आउट है वो उन्हें जल्दी से एंट्री दे देते हैं। और यहाँ पे एक टॉय क्राफ्ट बोल के एक टॉय स्टोर है, यहाँ पे मैं घुस गई क्योंकि मेरे जो भतीजी है मेरे भाई की बेटी, तो उसके लिए मैं कुछ टॉयस ले रही हूँ। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि भाई का बेटा भी आने वाला है। नियम मैम ये 6-7 इयर्स एज के लिए है, 7+, तो ये सेक्शन में आई हूँ मैं। DIY जो होता है ना वो सब इस सेक्शन में है, आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा है ना, ये भी ये है ना एक्रेलिक कोस्टर्स। ये इसका प्राइस क्या है? 649। ओहो, और क्या है उस तरह का कैंडल? और ये पूरा सेक्शन वही है। नहीं क्या, ये दो दिखा, मधुबनी का क्या है करना है, डिजाइन है करना। ओ करना है, इंस्ट्रक्शन है उसमें सब कुछ रहेगा। अच्छा हाँ, सैंड का पिक्चर 4 है, पजल डिस्प्ले 2 है, 3 पेपर नेशन अल्टरनेट है, सब इसमें बॉक्स में रहेगा मैडम। ये भी सेम प्राइस है क्या? 699। और इसे कुछ मैनुअल बुक रहेगा मैडम, मैनुअल बुक दे के आप करना मैडम। अच्छा, थोड़ा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, सिंपल सा कुछ है? कितने साल के लिए मैम? 6 इयर्स। हाँ 6 इयर्स करेंगे मैम, 6 इयर्स 4 कर लेंगे। अच्छा, और ये है मैडम ऐसा कैंडल से के, और ये यूनिकॉर्न भी बना सकते हैं मैडम इसमें। ये एक पेन है, पॉट्स क्ले नहीं मैडम, पॉट्स में पॉट्स रहेगा। सेरामिक है क्या? पॉट्स को डिजाइन करना मैडम। हाँ पॉट्स है, कितने? 3 पीस। 3 पीस पॉट्स। अच्छा हाँ, प्लेन पॉट्स रहेगा और कलर करना। प्राइस सेम ही है क्या या नहीं मैम? डिफरेंट रहेगा। हाँ ये बताओ मुझे, ये लेना है। 649 का है। हाँ ये रख दो, कहाँ रखना है? ओके ओके फाइन। ये कैंडल पॉट, ये कौन सा मटेरियल का है ये कैंडल पॉट? फ्राइजेल है क्या? तो ये हाँ वो एक ये क्राइलिक कोस्टर्स है, गर्ल्स के लिए तो अच्छा है, बैठ के करेंगे। ये लो। हाँ ले तो लिया है मैंने, देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं। अच्छे से बैठ के कर लेगी। पीछे से वुडन का ये है पर वो बैठ के खेलने का है ना, तो वो करेगी नहीं, इसको अच्छे से करेगी वो, आर्ट का कलरिंग करती है मेरी भतीजी है वो। क्या लेके आए हो पूछती नहीं है, पर फिर भी एक्साइटमेंट रहता है ना। अकेले ट्रैवल करना कितना बोरिंग होता है, और ये मैंने इस जर्नी में फील किया है, बहुत बोर लग रहा था, ये इधर उधर सारे चीज़ें की फिर भी बोर लग रहा था,
तो ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ शूट करके। वो एक अच्छा मेरा हॉबी भी है और पैशन भी है और अभी तो प्रोफेशन भी बन गया है, तो अच्छा लग रहा था। पर अकेले ट्रैवलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अकेले बैठी हूँ मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बना के टाइम पास कर रही हूँ। मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि फ़्लाइट में जब तक बोर्ड ना करो एक एक्साइटमेंट सा रहता है, एक बार बोर्ड कर लो फिर वो कैसे जल्दी से टाइम पास हो जाता है। और ये आगे मैं पहुँच भी गई एक डेढ़ घंटे में। ये भुवनेश्वर उड़ीसा का भुवनेश्वर एयरपोर्ट है बाय द वे। ये हमारा स्टेट है और मेरा कज़न भाई आने वाला है गाड़ी लेके, पापा ने भेजा है। पहुंच गई मैं फाइनली। इन लोगों ने बोला था आरटीपीसीआर देखेंगे, मैं करवा के लेके आई थी टेस्ट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, पर किसी ने भी देखा नहीं। और सामान भी बहुत लेट आया बेल्ट पे, बहुत देर हो गई, जाते जाते 3-4 घंटा घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा। फिर मिलेंगे घर मेरे मायके मेरे मम्मी पापा से, ठीक है। पर बच्चे हस्बैंड नहीं आए हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा अकेला अकेला भी खाली खाली लग रहा है। पर खुशी भी है कि मम्मी पापा से मिलना है। जब मैं ट्रैवल कर रही थी 2-2.5-3 आवर्स की जर्नी, मुझे 4 घंटे लगा पहुंचने में घर। और इतना मतलब रास्ता भी ख़राब था क्योंकि रोड वर्क कुछ चल रहा था ना, इसीलिए बहुत डाइवर्शन सब था। तो वो जो आगे गाड़ी चला रहा है वो कज़न भाई है, और उसके साइड में जो बैठ रहा है ये मेरे मामा जी का बेटा, ये भी कज़न भाई है। और जो गाड़ी चला रहा है ना वो जो मेरे कज़न का कज़न है, तो ऐसे है। 2-3 साल बाद मैं बाई रोड ट्रैवल कर रही थी घर तक, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। पर जो चलाते हैं वो फिर शाम होने को आई, तो फिर ये जो हेवी व्हीकल सब जा रहा था ना वो भी फिर रास्ता बदल के, वो बहुत टेंशन हो गया था। फिर मम्मी पापा बीच में रास्ते से ही फ़ोन करने लगे, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो हमने बोला कि नहीं रास्ता ख़राब है, रास्ते में ही है बीच में, तो टाइम लगेगा। हमारे उड़ीसा में एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है और बहुत क्वालिटी पढ़ाई होती है स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर में। अब बाकी जगहों पर मैंने इसे कम ही देखा है। फिर रास्ते भर जुबिन नौटियाल का गाना रिमिक्स बजाते बजाते सुनते सुनते हम लोग रात 8 बजे 8:30 बजे तक पहुंच गए घर। और ये लोग दोनों थे साथ में तो अच्छा लग रहा था। तो बहुत रास्ता बहुत लंबा है ना, तो दो ही आते हैं जब भी आते हैं, क्योंकि गाड़ी का रास्ते का सवाल है तो कुछ रिस्क नहीं ले सकते ना इतनी दूर। 200 किलोमीटर्स ऐसे होगा मेरे घर से ये भुवनेश्वर। ये नाटू नाटू सॉन्ग बज रहा था, फिर रामुलो रामुला वो जो तेलुगु वाला सॉन्ग है ना सुपर हिट, तब तो पता नहीं था कि नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने वाला है। पर
वो तो फेमस ही था। जो भी कुछ आता है ये सब बारे में हमारे जो उड़ीसा में सब मतलब प्रॉम्प्ट रहते हैं ये सब जानने में, उनको फर्स्ट नॉलेज रहता है इन सब चीज़ों में। पर फाइनली ऑस्कर मिला नाटू नाटू सॉन्ग को, और रिसेंटली ये मूवी भी मैंने देखा है। नाटू नाटू सॉन्ग तो फेमस है ही, माय गॉड ये मूवी भी सुपर हिट है। और ये जो इमेजिनेशन फिक्शनल स्टोरी पे बेस्ड है ना ये मूवी, ये बहुत ही मतलब अमेजिंग मूवी मुझे लगा। आप भी हो सके तो देखिए, ये अमेज़न प्राइम में है अवेलेबल, RRR। तो वो स्टोरी बता रहे थे राजा मौली का, कि SS राजा मौली जो है ना, तो वो RRR ये मूवी का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वो NT रामाराव उनका भी आर है और रामचरण उनका भी आर है और राजा मौली उनका भी आर है, तो ऐसे ही वो प्रोजेक्ट का नाम RRR दे के रखा था। फाइनली ऑडियंस को वही नाम ही पसंद आ गया तो वो टाइटल बन गया। तो बहुत फनी स्टोरी है। और ये मैं पहुंच रही हूँ अपने घर, मेरी स्ट्रीट तक पहुंच गए हैं हम लोग। ये नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस हाँ, यहीं पे पहुंच गई मैं। फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में अब देखेंगे डिटेल में।